वो देख रहे हो, वो हमारा लक्ष्य है आज का। हम लोग अभी गुलाबा पॉइंट पहुंच चुके हैं। यहाँ पे बहुत जबरदस्त बर्फ हो रही है, आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे बर्फ है। मैं मॉल रोड के पास आ चुका था एंड यहाँ पे है लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल। तो बहुत सारी जनता है यार, यहाँ पे आपको ऐसे कपड़े में मिल जाएंगे। सीन ऐसे कि मैं होटल रूम वापस आ गया था बिकॉज बाहर हो रही थी बहुत तेज़ बारिश। जब मैं मॉल रोड पे घूम रहा था तभी बारिश स्टार्ट हो गई थी एंड आप देख सकते हो यार, मेरा फेस भी रेड होना शुरू हो गया। इट्स जस्ट बिकॉज यहाँ पे ठंड है काफ़ी ज़्यादा। एंड अभी मैंने जैकेट वगैरह भी चेंज कर लिया बिकॉज मेरा जैकेट वगैरह गीला हो गया था। एंड एक प्रो टिप देना चाहूँगा आप लोगों को, मैंने बस की टिकट कर लिया बुक। तो आप कभी भी अगर बस की टिकट बुक करने का प्लान कर रहे हो तो सीधा काउंटर पे जाना एंड वहाँ से लेना। आई गॉट दिस टिकट फॉर अराउंड 800 रुपीज़ जो कि मेरे को ऑनलाइन मिल रही थी 1200-1500 रुपये में। तो पहले मैं बस देखने गया था पर्सनली, बस स्टैंड पास ही था लाइक 5-10 मिनट्स एंड वहाँ से मैंने बस देखी फिर उसके काउंटर पे गया एंड आई गॉट दिस टिकट फॉर अराउंड 800 रुपीज़। बहुत सी प्रो टिप है, याद रखना भाई। एंड इस ट्रिप पे जितने भी प्रो टिप्स दे रहा हूँ भाई सब याद रखना। अभी जब मॉल रोड से मैं आ रहा था वहाँ पे मैंने एक रेस्टोरेंट देखा था, तो वहाँ कुछ खाने पीने चलते हैं, उसके बाद चलेंगे ओल्ड मनाली। मैं मॉल रोड वापस आ चुका हूँ एंड हम लोग अभी वो रेस्टोरेंट में जाएंगे जो मैंने देखा था। रश थोड़ा सा कम है मॉल रोड पे, आई गेस बारिश होने की वजह से लोग अपने वापस रूम में चले गए। यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता ट्रिकी, तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये रोड जो है ये बस स्टॉप से आ रही है, ये रोड जो है ये मॉल रोड है अपना जा रहा है एंड इधर जाके रोड जो है वो ओल्ड मनाली पे जाती है। यहाँ पे है ये एक आईबेक्स होटल या रेस्टोरेंट जो भी है, ये जो रोड जा रही है आईबेक्स मार्केट में जाती है, यहाँ जाके हमें लेफ्ट में जाना है। तो अभी आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं। यहाँ पे आईबेक्स की अंडरग्राउंड मार्केट है, इसे हांगकांग मार्केट भी कहते हैं। तो यहाँ पे कपड़ों वपड़ों को आपको सब मिल जाएगा। हम इसके अपोजिट साइड पे ऊपर जाना है। तो यह सीढ़ियाँ चढ़ते ही एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, यहाँ के मोमोज ट्राई करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक मेरठ खजाना करके कुछ रेस्टोरेंट है। भाई मैं यहाँ पे टिकट लेने आया था, मतलब एक टिकट काउंटर है यहाँ पे, और मैंने देखा कि इन्होंने मतलब जो मेरठ खजाना जो भी रेस्टोरेंट है उन्होंने भाई अलग अलग शॉप्स ले रखी है और बहुत सारी सीटिंग बना रखी है। तो ये चीज़ मुझे बहुत फैसिनेट करी है एंड वहाँ पे कुछ नॉन वेजिटेरियन ट्राई करेंगे अभी। वहाँ सीढ़ियों से एंटर करके ये चाइनीज रेस्टोरेंट है, इसके जस्ट साथ में ये है मेरठ खाना खजाना एंड इनका खाना भाई बहुत अमेजिंग लग रहा है। तो मैंने अभी ऑर्डर करा कढ़ाई चिकन और साथ में 2 तंदूरी रोटी। तो मेरे साथ अभी हाफिज राशिद जी हैं एंड हाफिज जी कुछ बताएं अपने बारे में एंड अपना जो मेरठ खाना खजाना उसके बारे में बताएं कुछ। बढ़िया लजीज खाना यहाँ पर आपको मिलेगा, अच्छा रीजनेबल प्राइस मिलेगा आपको, अच्छा सब कुछ, खाना भी टेस्ट में बेस्ट। अभी अपने पास मैंने देखा बहुत सारे केबिन हैं यहाँ पे, कितने केबिन होंगे टोटल अपने? अपने पास केबिन है सर टोटल 7 केबिन है। तो खाने के बाद बताते हैं कि कैसा खाना था इनका। अभी मैं खाना खा के आ चुका हूँ एंड इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन देन यू शुड डेफिनेटली कम टू दिस प्लेस अगर मनाली आ रहे हो तो। बहुत अमेजिंग था भाई खाना, मैंने कढ़ाई चिकन खाया हाफ और रोटी खाई, तब जैसे हमारा ओल्ड डेली का टेस्ट होता है जस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर था वैसा। और अभी ओल्ड मनाली जाएंगे। अभी मुझे अपनी स्कूटी के लिए मॉल रोड से उधर जाना पड़ेगा, तो मैंने सोचा मॉल रोड पर एक कुछ सिनेमैटिक बनाते हैं, तो आप लोगों को सिनेमैटिक दिखाता हूँ मॉल रोड।
अभी हम लोग कैफे लेजी डॉग होके आ चुके हैं एंड जिस चीज़ का डर था वही हुआ, बारिश शुरू हो गई थी तो मैं फिर दोबारा रश करा, मैं अपने रूम पे आ चुका हूँ वापस, बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि मेरा कैमरा एंड बाकी सब इक्विपमेंट्स भीग जाए। तो भाई इस पार्ट को मैं यहीं ख़त्म करूँगा एंड कल का कुछ ऐसा प्लान है कि वशिष्ठ टेम्पल जाएँ और वहाँ पर हॉट वाटर बाथ लें एंड बस है हमारी लगभग 6:15 बजे की, तो कल हम लोग दिल्ली जा रहे हैं तो अभी मैं सब पैक कर चुका हूँ और प्लान ऐसा है कि सुबह सुबह जल्दी निकलेंगे, आराम लगा लूँगा। तो अगर ये पार्ट पसंद आया तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ में डालता रहूँगा। तो भाई बने रहने, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।